हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। आज मैं 11th के मैथमेटिक्स के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं आप सभी के सामने। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा क्वाड्रेंट का टॉपिक है, और आज के टॉपिक में हम लोग पूरे क्वाड्रेंट का करेंगे सारांश। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो पूरे जो होगा, हमने पीछे के जितने भी हमने क्वाड्रेंट पढ़ रखा हुआ है वो सबका क्या होगा, निचोड़ होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको जो भी ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको 11th के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आपके सामने चल रहा था, जिसमें हमने आपको क्वाड्रेंट का पार्ट 1, 2, 3 और 4 आपको कंप्लीट करा दिया था। क्वाड्रेंट का आज है पार्ट 5, लेक्चर नंबर है, टोटल लेक्चर 9 हो चुके हैं। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग करेंगे पूरे क्वाड्रेंट का निचोड़। और उससे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं कम्प्लीटली रूप से। ठीक है, टॉपिक हमारे पास क्वाड्रेंट है। आपको जैसा कि पता है कि हम लोगों ने क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट आप जानते हैं क्या होता है क्वाड्रेंट, जरा देखिए, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है ना, ये आपका 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और ये आपका था 360 डिग्री। ठीक है, पूरा का पूरा आप जान चुके हैं किस क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है। ठीक, अच्छा, ये हमारे पास कौन सा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये आपका सेकेंड था, ये आपके सामने थर्ड था, और ये क्या था आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट था, यही था ना। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में क्या जानते थे, ऑल पॉजिटिव, यही जाने, ऑल पॉजिटिव यानी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। सेकेंड में जो होता है आपका साइन एंड कॉसेक, ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, साइन और उसका उल्टा वाला, ये दोनों धनात्मक होते हैं। थर्ड में होता है टेन एंड कॉट, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी थर्ड के केस में टेन और कॉट जो होता है आपका धनात्मक होता है। लेकिन फोर्थ में क्या होता है, कॉस एंड सेक, कॉस और सेक क्या होते हैं, ये आपके पॉजिटिव होते हैं। ये आपने पढ़ रखा हुआ है, हमने अलग अलग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को डील कर रखा हुआ है। ठीक है, एक बार ब्रीफ जरा बना देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ब्रीफ नॉलेज। ठीक है, ब्रीफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 0° + θ लिख सकते हैं। 0° + θ अगर करते हैं तो वो हमारा जो वैल्यू बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा, या फिर आप देख सकते हैं 90 में से घटा है ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं 90° - θ, तो भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ये आप जानते हैं। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में हमने आपको बताया था क्या, 90° + θ। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं 180° - θ, ये आप जानते हैं। ठीक है, थर्ड की बात कर ले तो थर्ड में मैंने आपको बताया था 180° + θ है ना, तो ये थर्ड वाला था आपका 180° + θ, या फिर क्या था आपका 270 - θ, 270° - θ। ठीक है, फोर्थ के लिए क्या कंसेप्ट था, फोर्थ वाला कंसेप्ट पिछला वाला लेक्चर था है ना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पीछे वाले सारे वीडियो देख लेंगे, ताकि जो हम अभी आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। एक बार ये सब चीज़ क्लियर हो जाए ना तो आपका ट्रिगो पे जो है ना पूरा पकड़ हो जाएगा, और ट्रिगो पे पकड़ का मतलब आपका मैथ मजबूत हो गया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपका क्वाड्रेंट क्लियर यानी ट्रिगो पे पकड़ और ट्रिगो पे पकड़, तो आपका पूरा मैथमेटिक्स ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला था हमारा 270° + θ, या फिर 360° - θ, ये हमने आपको बता रखा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा चारों क्वाड्रेंट आपका पहले से ही क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और जो आपका फोर्थ है उसमें कौन सा, कॉस और सेक पॉजिटिव, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, क्या टर्म आता है जरा समझिएगा। अगर आपको 360 के बीच के एंगल आपको पता है तो ये तो आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। 360 एक चक्कर घूम जाइए, आपको पड़ा पता चल जाएगा फर्स्ट में कौन, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, फोर्थ में कौन, और आप निकालना भी सीख चुके हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया है पीछे क्लास में है ना, और आपको होमवर्क भी दिया हुआ था कुछ क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन अगर 360 से ज़्यादा एंगल हो जाए, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि बताइए टेन आपको 390 डिग्री
टेन 390 डिग्री बताइए, आप बताइए साइन 1860 डिग्री, तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे हल इसका। टेन 390 डिग्री साइन 1860 डिग्री, इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जानते नहीं ना, हम लोग तो जीरो से ये 360 का ही एंगल घूमे इतना ही जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास बड़े बड़े एंगल दिए हों, जैसे 390, 1860, 720, ऐसे अगर आपके पास एंगल होंगे तो उन एंगल को बिल्कुल आसानी से चुटकियों में हल करेंगे, एकदम खटाक, है ना, बहुत ही आसानी से इसको हल करेंगे। और मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें एक बार, ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप रफली इसको नोट कर सकते हैं समझने के लिए, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे का कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, क्लियर है, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे, डिग्री कोण के मापन का आपके पास दो टर्म होता है, एक तो आप डिग्री में कोण को लिख सकते हैं और एक आप रेडियन में लिख सकते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे, आपने अगर 10वीं पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कहीं पाई बाई टू जैसा, पाई बाई थ्री जैसा, है ना, पाई बाई सिक्स जैसा, या फिर पाई जैसा, टू पाई जैसा, ऐसा आपने देख रखा होगा, ठीक है, ये आपने बिल्कुल देखा है, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि डिग्री कोण को मापने का दो तरीका होता है, एक तो आपका होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन, ठीक है। ये जो पाई में जो कुछ भी लिखा होता है इसको हम लोग रेडियन नाम देते हैं, रेडियन, ठीक है। पाई में जो कुछ भी लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। और डिग्री में होता है आप तो जानते हैं, डिग्री मतलब कितना, ये आपको ऐसे लिखा होगा डिग्री में, तो इसको डिग्री बोला जाता है, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन मतलब कोई एंगल अगर आपको डिग्री में दिया हुआ हो, ठीक है, कोई एंगल आपके सामने दिया हो डिग्री में, उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम पूरा कम्प्लीटली रूप से आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको डील करेंगे, लेकिन आप बेसिक समझ लें क्योंकि इसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से देख लीजिएगा, एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या है कि एक डिग्री, हमने लिखा है यहाँ पे एक डिग्री इक्वल टू होता है 180 सॉरी पाई बाय 180 रेडियन होता है। एक डिग्री जो होता है वो बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है। रेडियन डिग्री का मापन, कोण का मापन होता है, ठीक है ना। एक डिग्री बराबर होता है कितना, पाई बाय 180 रेडियन के, है ना। अच्छा, तो अगर एक डिग्री जो है पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है, तो अगर हम कहें कि बताइए कि 30 डिग्री कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए बताइए 30 डिग्री कितना होगा, तो जैसे आप पढ़ते हैं ना कि एगो सेब का कीमत है 5 रुपया, तो दो गो का कितना, 10 रुपया ना, तो वैसे ही है कि एक डिग्री बराबर इतना, तो 30 डिग्री बराबर कितना, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे ना, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 30 इंटू पाई बाई कितना हो जाएगा 180, तो ये आपका कटेगा 3 6 18, यानी कितना बनेगा, पाई बाय 6 बन जाएगा। यानी आप सिंपल, आप जैसे जानते हैं कि पाई बाय 6 को 30 डिग्री बोलते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो ये निकालने का तरीका हो गया, आप इसको याद रखेंगे, एक डिग्री इक्वल टू कितना, पाई बाय 180 रेडियन, तो ये हमारा निकल गया पाई बाय 6। उसी तरह से आपके पास है 60 डिग्री, क्या लिखेगा, 60 इंटू पाई बाय 180, है ना, तो ये आपका कितना, 6 3 18, यानी कितना बनेगा, पाई बाय 3 बनेगा, ठीक। उसी तरह से अगर 45 लिखें तो क्या लिखेगा, 45 इंटू पाई बाय 180, तो ये 45 को 4 बार में काटेगा, है ना, और ये क्या बनेगा, पाई बाय 4 बनेगा। सेम आगे बढ़ते हैं, 60 हमारा हो चुका है, 90 की बात करें तो 90 को क्या लिखेंगे, 90 इंटू पाई बाय 180, है ना, ये 9 2 18, यानी कितना बनेगा, ये आपका बनेगा पाई बाय 2, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर 180 डिग्री हो तो क्या लिखेंगे, 180 डिग्री इंटू पाई बाय 180, ये आपका 180 से 180 कटा, यानी कितना आ रहा है आपका पाई, यानी जहाँ पे 180 होगा वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम पाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही है, समझ में आ रहा है ना। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास 360 हो तो क्या लिखिएगा, पाई बाय 180 लिखेंगे, है ना, तो ये 180 दो कितना होगा, 360, यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई आपका हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिले क्या 360, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 2 पाई, जहाँ लिखा हुआ मिले आपको 180 वहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग पाई। तो ये है आपको डिग्री टू रेडियन, डिग्री से अगर आपको रेडियन जाना है तो कैसे चेंज करेंगे, ये आपका तरीका हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब इसी में एक और आता है, इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, देखिएगा जरा, इसी में क्या आता है, अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना हो तो क्या कीजिएगा,
रेडियन से अगर आपको डिग्री जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो समझिएगा। रेडियन को हम सी से सूचित करते हैं, एक सी यानी एक रेडियन, ठीक, एक रेडियन। अब ये एक रेडियन क्या होता है, ये होता है आपको 180 अपॉन पाई, जस्ट अपोजिट। इसको आप याद रखेंगे, एक रेडियन जो होता है आपका कितना के बराबर होता है, 180 बटा पाई के बराबर होता है। अब ये एक रेडियन 180 बटा पाई, तो अगर हम कह दें कि पाई बाई सिक्स रेडियन का वैल्यू कितना होगा, है ना, क्वेश्चन तो बन सकता है ना, पाई बाई सिक्स रेडियन बताइए कितना होगा। तो पाई बाई सिक्स रेडियन की बात करें तो सेम वही है, ए गो का इतना तो दो गो का कितना, तो वैसे ही ए बाई ए गो का इतना, तो पाई बाई सिक्स का कितना, तो क्या करेंगे, पाई बाई सिक्स का गुना कर देंगे, पाई बाई सिक्स इंटू 180 और अब वन पाई, तो ये पाई से पाई कटा छोटी है, कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना हो तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, किस किस से, रेडियन से डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना हो तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको डिग्री से रेडियन जाना हो तो आप इस वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप इसे पहले नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा निचोड़ है, जो क्वाड्रेंट का मेन टॉपिक है, उस पर चलते हैं और पूरा उसको हिला के रख देंगे और आपको भी समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद आपको क्वाड्रेंट से संबंधित कोई एंगल दिया हो, आपको छोटा एंगल, बड़ा एंगल, बहुत बड़ा एंगल, आप उसका भी आंसर आराम से निकाल पाएंगे। आप पहले इसे नोट कर लें, क्लियर है, इसे आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करते हैं इसमें, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, है ना, अगर आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर हो पा रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्त हैं तो उन्हें भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी मेरे क्लास ज्वाइन करके आपको फ़ायदा मिले, है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसे रफ करते हैं धीरे धीरे, ये आपने लिख लिया हो, चलेंगे। तो अब बढ़ेंगे हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ, ठीक है। चलिए, तो अब मुख्य टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है मेन हमारे पास टॉपिक, मेन जो है, अब बढ़ते हैं मेन, एक ही बार में पूरा का पूरा खेल खत्म, ठीक है। ये देखिएगा, ये हुआ, ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। इस 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपका 180 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, हम पाई लिख सकते हैं क्या, इसको पाई लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। ये आपका 180 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई, ठीक है। ये 270 था, तो 270 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 3π/2, ठीक है। इसको आप करके देख लेंगे कि 270 को पाई बाई टू रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, आपका 3π/2 आता है, ठीक है। यहाँ पे 360 था, तो 360 का मतलब 2π, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री, चलेगा। ये हो गया, सब कुछ हमने कर दिया इसको रेडियन के अंदर में। अब इससे इसका क्लियरेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ से देखिएगा जरा सा, ये आपके सामने फर्स्ट था, ठीक है, ये आप जान चुके हैं सब कुछ, ये सेकंड था, ये थर्ड था। अब हम लिखेंगे नहीं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ठीक है, थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब इसमें जानते हैं आप क्या जानते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, 0 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री प्लस थीटा, या फिर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, यही लिख सकते हैं ना, को याद लगा देते हैं, फिर यहाँ पे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। या आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, दो तरह से लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, इसको हमने आपको बताया थोड़ा देर पहले, क्या लिख सकते हैं इसको, 90 डिग्री प्लस थीटा, या आप क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने क्या बताया आपको, 180 डिग्री प्लस थीटा, या आप क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, और सॉरी 180 नहीं, 270 ना, 270 माइनस थीटा, ये 270 डिग्री माइनस का थीटा, चलेगा। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बताया क्या, इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, या क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा। आपने पीछे पढ़ रखा हुआ है कि जब भी 90 और 270 का केस होता है, 270 और 90 का केस होता है, उसमें फंक्शन क्या होता है, बदल जाता है, फंक्शन साइन है तो कॉस बनेगा,
कॉस है तो साइन बनेगा, टैन है तो कॉट बनेगा, कॉट है तो टैन बनेगा, सेक है तो कॉसेक बनेगा, और कॉसेक है तो क्या बनेगा, सेक बनेगा। ठीक है, ये आप जानते हैं 90 हो या 270 हो उसमें चेंज करेगा, और कैसे चेंज करता है, अब उसको जब चेंज कर जाएगा तो उसमें प्लस लाना है कि माइनस लाना है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, ये आप भले से जानते हैं, लेकिन ये 2π 0 और पाई या फिर 180 इस वाले टर्म में जब भी हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं, साइन साइन है साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, टैन है टैन रहेगा, यानी फंक्शन बदलता नहीं है। ठीक है, और जब फंक्शन नहीं बदलता है तो फंक्शन नहीं बदलेगा तो वैल्यू किसके हिसाब से लिखते हैं, वैल्यू क्वाड्रेंट को देख के लिखते हैं, क्वाड्रेंट प्लस आता है तो प्लस लिखेंगे, माइनस आता है तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे यहाँ देखिएगा, आप जानते हैं कि अगर हमारे पास एक एंगल है, यहाँ आप जानते हैं 360 का कोण बनता है, यानी 360 का मतलब क्या बोल सकते हैं आप, इसको 2π बोल सकते हैं। अगर हमने कोई चीज़ यहाँ पे हमने या हमारे पास मान लेते हैं कोई हमारा एक गोलाकार क्षेत्र है, ठीक है, हम इसको घूमना चाहते हैं, ठीक, तो अगर हमने इसको चार पार्टों में बनाया हुआ है, चार हिस्से में, ठीक है, ये आपका 0, ये 90 है ना, ये आपका 180 और ये आपके सामने है 270 और ये क्या है आपका 360 है, फिर ये घूम जाएगा तो 360, यानी अगर यहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्ट करते हुए हम पूरा यहाँ तक घूम गए, यानी 360 पूरा चक्कर मार लिया, तो एक चक्कर मार लिया पूरा कम्प्लीटली रूप से, तो अब एक चक्कर मार लिया तो हम तो पढ़ ही चुके हैं ना कि 0 से पूरा एक चक्कर यहाँ तक मारा उसका सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर 360 से ऊपर जाना हो तो ये चक्कर फिर दोबारा से कहाँ से स्टार्ट होगा, 360 से फिर स्टार्ट होगा, और ये फिर वापस जाएगा ये 360, तो फिर 90 ऐड होगा, फिर आगे बढ़ेगा तो 180 चलेगा, फिर अगला चक्कर, तो अगला चक्कर फिर कितना मारेगा, फिर इसको वापस यहीं तक आने के लिए पूरा का पूरा कितना चक्कर मारना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको 2π, जो मैंने आपको बताया कि पूरा पूरा 360 का एंगल कवर करना पड़ता है, तो फिर ये 2π एंगल कवर करना पड़ेगा, यानी अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0° + θ, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और पूरा घूमते 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 कहाँ आया, 2π तक आया। ठीक है, तो फिर अब इसमें अगला बढ़ेंगे तो ये 2π से ऊपर जाएगा, अगला वाला लिखेंगे कितना, 2π + θ, फिर ये दोबारा 2π के बाद फिर पूरा 2π चक्कर मारेगा, और फिर जब चक्कर मार के फिर आगे चलेगा तो इसमें फिर क्या बनेगा, 4π + θ, आप समझ रहे हैं। फिर अगला वाला केस ये आपको बनेगा कौन सा, 6π + θ, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 हम इसको लिख सकते हैं, 2nπ + θ, 2nπ + θ का मतलब समझिए जरा, अगर n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 0 है तो ये 0 + θ हो जाएगा, अगर n का वैल्यू 1 है तो 2π + θ, अगर n का वैल्यू 2 है तो 2 × 4π + θ, यानी सम संख्या का कंसेप्ट आ रहा है। जब भी आपको एंगल में 2π, 4π, 6π, 8π ऐसे करके दिया हो, 10π करके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी उसके अंदर एंगल जोड़ा जाएगा, जब भी उसको ऐड करेंगे तो कोस्ट आपको जो क्वाड्रेंट मिलेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, वो हमेशा कौन सा मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको मिलेगा। कब, जब सम संख्या वाला केस हो और उसमें क्या जोड़ा जाए, एंगल जोड़ा जाए, सम संख्या हो और पाई उसमें गुना किया गया हो। ठीक है, पाई मतलब 180, तो यहाँ पर हमने लिखा 0 + θ, 2π + θ, 4π + θ, 6π + θ, ऐसे अगर आपको दिया हो तो आपका कंसेप्ट बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये आपका फर्स्ट क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। सेकेंड क्या होता है, ये है पाई, तो हम इसको लिखते हैं π - θ, यानी 180 - θ लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम कहें कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ से, 180 से यहाँ से स्टार्ट किया, फिर दोबारा हमको यहीं आना है, तो यहीं आना है तो हमको पूरा कितना चक्कर मारना पड़ेगा, 2π का तो चक्कर मारना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, यहाँ से 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, यानी हमको 2π का चक्कर मारना पड़ेगा, यानी अगला वाला जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3π - θ, अगला वाला बनेगा वो 5π - θ, ऐसे ही डॉट 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 कितना हो जाएगा, 2n + 1π - θ, इसको समझिएगा, 2n + 1π - θ का मतलब क्या हुआ, अगर n के जगह पर रख दे 1, तो 1 रखे तो 2 × सबसे पहले तो 0 रखते हैं, है ना, अगर 0 रखेंगे तो ये तो 0 बनेगा, प्लस 1 यानी पाई, तो π - θ, अगर 1 रखे तो 2π और प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3π, और ये 3π - θ हो जाएगा, आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आया, पाई, 3π, 5π, 7π, 9π, 11π, ऐसा अगर आपके पास मिले, यानी विषम संख्या का केस हो, पाई में गुना किया हो और घटाया हो, तो क्वाड्रेंट आपको कौन सा मिलने वाला है, क्वाड्रेंट आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन और कॉसेक जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, क्लियर, अच्छा इसमें पढ़ते हैं, ये कौन सा है आपका, ये आपके सामने है
पाई प्लस करेंगे तब ना जाएंगे थर्ड में, तो यहाँ लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, फिर थ्री पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि अब फिर दोबारा से यहाँ आने के लिए पूरा एक चक्कर मारना पड़ेगा। उसी तरह से क्या लिखेंगे, फाइव पाई प्लस थीटा, सेवन पाई प्लस थीटा, डॉट 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 क्या लिख सकते हैं आपको, इसको लिख सकते हैं आप टू एन प्लस वन पाई प्लस थीटा, यानी आप इसको लिख सकते हैं टू एन प्लस वन पाई प्लस थीटा। बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, अब यहाँ समझिए वही चीज, एन का वैल्यू आप रख के देख सकते हैं, जीरो रखिएगा तो आपको पाई प्लस थीटा मिलेगा, वन रखिएगा तो थ्री पाई प्लस थीटा मिलेगा, टू रखिएगा तो फाइव पाई प्लस थीटा मिलेगा। ऐसे ही आप एन का वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या निकल के आया, अगर विषम संख्या हो और पाई में गुना हो, माइनस करना हो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, विषम संख्या हो है ना और पाई में गुना हो और प्लस करना हो एंगल को, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, आपको क्वाड्रेंट मिलेगा क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। ठीक है, और थर्ड में क्या जानते हैं, थर्ड में जो होता है आपको टैन और कॉट जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, उस हिसाब से आप एंगल को डील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं इधर। अब यहाँ पे क्या है, टू पाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं टू पाई माइनस थीटा, यानी टू पाई में से घटाएंगे तभी तो आएगा नीचे की तरफ, है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हैं जीरो डिग्री माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं जीरो डिग्री माइनस थीटा। तो ये बनेगा आपको, एक तो जीरो माइनस थीटा बनेगा, है ना, जीरो में से घटाएंगे तो आपका कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और टू पाई में से घटाएंगे तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं इसको, फोर पाई माइनस थीटा, है ना, उसके बाद सिक्स पाई माइनस थीटा, एट पाई माइनस थीटा, ऐसे डॉट 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 क्या लिख सकते हैं, टू एन पाई माइनस थीटा। इसको समझिएगा, जीरो में से थीटा तो माइनस करना हो, फिर टू पाई में से थीटा, यानी सम संख्या का केस है, देखिए दो चार छः आठ दस ऐसे करके आएगा, यहाँ पे भी क्या था दो चार छः आठ दस था, तो जब भी सम संख्या हो थीटा प्लस करना हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सम संख्या वाला केस हो पाई में गुना हो और थीटा माइनस करना हो, तो कौन सा क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट निकल के आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में क्या जानते हैं, फोर्थ में आप जानते हैं कि कॉस और सेक जो होते हैं वो होते हैं आपके धनात्मक। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा जो बना यहाँ पे, ये क्वाड्रेंट का पूरा निचोड़ है। आप इसको ही याद रख के पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आप इतना ही याद रखेंगे तो भी अपने पीछे का जितना पढ़ा है सब इसी में आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें, है ना, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी मेरी क्लास को एंजॉय कर सकें और वो भी इन सारी चीज़ों को जान सकें। क्वाड्रेंट का बहुत ही शानदार कंसेप्ट है जो मैंने आपको चार या पाँच लेक्चर में आपको पूरा का पूरा क्लियर करा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें या फिर आप इसे नोट कर लें, फिर हम इसको रफ करेंगे, पहले आप इसे समझते हुए इसे लिख लें। ठीक है ना, आराम से नोट कर लें, और फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है देखेंगे कि कैसे इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बेसिकली पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं आराम से, देखते हैं कुछ क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, और कुछ एंगल जो है बड़े बड़े एंगल आपके सामने दिख रहे होंगे, कैसे करेंगे इनको डील आप समझिए जरा सा। ठीक है, साइन 750 लिखा हुआ है हमने। ठीक है, आपको एक चीज़ आपको आना चाहिए, आपको 18 का पारा याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 180 से सारा ही काम करना है, यानी 180 से काम करना है, यानी आपको किससे काम करना है, आपको पाई से काम करना है, सारा काम इसी से चलेगा। ठीक है, इसी में आपको सम संख्या ऐड करना है या फिर आपको विषम संख्या ऐड करना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ देखिए 750 लिखा हुआ है, तो 18 का पारा पढ़िए जरा सा, 18 + 54 = 72, यानी 72 का मतलब कितना हो जाता है, 18 × 72 यानी 720। अब इसमें है कितना, ये 750 है, तो आप इसमें कितना ऐड कर सकते हैं, 30 ऐड कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग साइन का साइन, और ये आप लिखिए 180 और इंटू 4, आप प्लस कितना लिख सकते हैं, आप इसको 30 लिख सकते हैं, यानी 18 × 72 720 प्लस 30 आपको हो जाएगा 750, चलेगा। अच्छा, ये साइन का साइन है ना, अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, 4 × 4, और ये 180 को क्या लिखते हैं पाई, अब प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं आप, 30 को लिख सकते हैं पाई बाय 6, है ना, या फिर आप 30 ही रहने दें, कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आप 30 को 30 ही रहने दे सकते हैं, है ना। तो ये अब क्या बन गया, साइन 4π + θ। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4π यानी जब सम संख्या का केस और एंगल जोड़ा जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और वैल्यू क्या बनेगा 1/2 आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, कैसे आया, सम संख्या हो पाई में गुना हो एंगल जोड़ा जाए कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है, और वैल्यू हमने लिख दिया 1/2। अगला बढ़ते हैं 960 टेन, अभी 960 है, तो 900 के पास कैसे जाएंगे, 18 × 5 = 90,
1895 यानी 900 और 60 है तो यानी कितना जुड़ना पड़ेगा आपको, जुड़ना पड़ेगा इसमें 60 यानी 180 इंटू 5 प्लस आप क्या कर सकते हैं 60 कर सकते हैं, यानी ये आपका बनेगा tan का tan और ये बनेगा कितना 5 पाई प्लस कितना 60। अब 5 पाई प्लस 60 आप क्या लिखेंगे इसको tan 60 ही लिखेंगे। अब जरा समझिए 5 पाई प्लस 60 तो ये पाई होता है और प्लस वाला केस जो होता है थर्ड में जाता है और माइनस वाला जो होता है आपको किस में जाता है सेकंड में जाता है। तो थर्ड में जाएगा तो टेन है और टेन थर्ड में जाएगा तो टेन क्या होगा, टेन जो होगा आप जानते हैं थर्ड में धनात्मक होता है और टेन साफ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा रूट थ्री और ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आराम से आंसर। ठीक है, कैसे किया मैंने 18 का पारा सेट किया, 1895 होता है यानी 900 हो जाएगा और 900 में हमने जोड़ा 60 तो ये बन गया 960 और इसको हमने पाई में लिख दिया तो 5 और 180 को क्या लिखते हैं पाई लिखते हैं और ये 5 पाई हो गया और यहाँ से हमने टेन के टर्म को लिख दिया। पाई वाले केस में आप जानते हैं फंक्शन बदलता नहीं है तो हमने इसको लिख दिया टेन 60 और टेन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री और क्वाड्रेंट कौन सा है आपको थर्ड है और थर्ड में टेन क्या होता है धनात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉस 1860। अब 18 का पारा पढ़िए 1800 का पारा तो 18 का पारा आपको कितना बार पढ़ना पड़ेगा 10 बार यानी 18 × 180 यानी 1800 हो जाएगा और यहाँ पे है कितना 1860 तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 18 यानी 180 इंटू 10 अब प्लस क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं यानी इसको कैसे लिखेंगे फिर इसको एक बार और लिखते हैं 10 है तो नंबर है और 180 को क्या बोलते हैं पाई अब प्लस कितना 60 और ये 10 पाई प्लस थीटा और 10 पाई प्लस थीटा आपको पता है कि जब 10 पाई होता है तो सम संख्या का केस और प्लस करना हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है और फर्स्ट में कॉस क्या होता है धनात्मक होता है यानी लिखेंगे क्या कॉस 60 लिख देंगे कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 आपका चला आएगा निकल के आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है सारी चीज़ें सब कुछ। अगर आपको वो चीज़ याद है जो हमने अभी बताया आपको पूरा निचोड़ जो बताया आपको क्वाड्रेंट का अगर आपको वो समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चन कोई भी एंगल दिया हो छोटा बड़ा सबको आप इजी तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा जरा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ लिखा सेक 1050 है तो अब आप इसके पास पहुँचने का प्रयास करते हैं 1050 के पास कैसे पहुँचेंगे 18 × 6 = 108 यानी 1080 लाना आपको कितना है 50 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना माइनस करना पड़ेगा आपको इसमें से 30 माइनस करना पड़ेगा तो लिखेंगे कैसे इसको 180 इंटू 6 और माइनस कितना 30 हो जाएगा ना फिर इसको क्या लिख सकते हैं सेक 6 और इसको क्या लिखते हैं पाई या माइनस कितना 30। अब आप बताइए 6 पाई माइनस थीटा और सेक है और 6 पाई माइनस थीटा और 6 पाई माइनस थीटा किस में जाता है सम संख्या का केस हो एंगल माइनस करना हो फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ में सेक क्या होता है धनात्मक होता है क्या लिखेंगे सेक 30 लिख देंगे और आप जानते हैं कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 तो उसका उल्टा हो जाएगा सेक यानी आंसर क्या बनेगा 2/√3 आपका बन जाएगा आंसर। तो ये रहे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जो बड़े बड़े एंगल वाले क्वेश्चन जिसको आपने आराम से डील कर लिया। कैसे डील कर लिया आपने कंसेप्ट समझा तभी तो डील किया ना तो आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बारीकी से आप इसे नोट करेंगे तभी आपको ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं वो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देते हैं आप इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें पहले एक बार फिर हम कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे लिखेंगे आराम से पहले इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें पूरी अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है आपको जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया अभी तक जो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपके दोस्त मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनको शेयर करें ताकि वो भी हमारी क्लासेस का आनंद बहुत अच्छे तरीके से ले सकें और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है क्वाड्रेंट का वो सारा कंसेप्ट सीख सकें। अगर आपने पीछे के और मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप पीछे के स्टार्टिंग के सारे वीडियो जो है आप देख सकते हैं जो आपका क्वाड्रेंट का सेशन है लेक्चर नंबर 5, 6, 7 और 8 और ये आपका लेक्चर नंबर 9 और ये क्वाड्रेंट का लेक्चर कौन सा है 5वां है। ठीक है, ये पार्ट 4 है क्वाड्रेंट का है कि नहीं पार्ट 4 नहीं बेसिकली ये क्वाड्रेंट का पार्ट 5 है। ठीक है, और यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट तो आप इसे लिख लें। ठीक है, रफ करते हैं हम इसे तो ये सब आपके सामने होमवर्क के क्वेश्चन है जिसे आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास टेन 765 साइन 765 कॉस 1470 टेन 1470 और यहाँ पे लिख दिया टेन 31π/3 तो ये एक नया चीज़ है जो हम आपको बता देंगे कॉस 13π/6 सेक 585 कॉस 390 कॉट 1665
साइन और 1290 टेन 7π/6 और साइन 5π/4। ये सामने आपके पास क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें या फिर नोट कर लें। आप एक चीज़ ये समझ लें, यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल समझ लें इस पाई वाले क्वेश्चन से संबंधित। कोई सारे क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नॉन नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये सवाल है आपके पास टेन 7π/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, तो बहुत ही आसान है। आप इस क्वेश्चन को लिखने के लिए क्या करेंगे, जरा समझिए। यहाँ पे इसमें क्या है, π/6 है, π/6 जो लिखा हुआ है, 7π/6, 7 को भूल जाइए, π/6 लिखा हुआ है ना। तो π/6 जो आपको क्लू का काम करता है, आप इस पहले π/6 को लिख लें। जैसे यहाँ पे π/6 है तो π/6 को क्लू के रूप में लिखा, यहाँ 5π/4 है तो 5π/4 को लिखेंगे क्लू के रूप में, यहाँ π/6 है तो इसको क्लू के रूप में π/6 लिखेंगे, और यहाँ π/3 है तो क्लू के रूप में क्या लिखेंगे, π/3। आपको हिंट्स मिल जाएगा, यहाँ से हमने लिखा π/6। अब आपको 7 जाना है, आपको 180 में से जोड़ना या फिर घटाना पड़ेगा, तो हमने लिखा पाई। अब आप एक बताइए जरा सा, अगर हम इसको ऐड जोड़े, मान लेते हैं इसको जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये 6π अब प्लस पाई कितना हो जाएगा, 6π + π हो जाएगा कितना, पाई 7π/6। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको माइनस लिखते हैं यहाँ पे, तो ये 6π या -π कितना हो जाता, 5π/6 हो जाता। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो हमको क्या पता चला, अगर हम इसको एलसीएम भी लेते हैं, आपको एलसीएम लेना नहीं है, लेकिन आप एलसीएम अगर लेते हैं तो 1×6 एक, तो कितना पाई, 6π या प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7π/6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका रहेगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो अब बताइए टेन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये आपका पाई है, प्लस थीटा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखिएगा कितना, π/6 ही लिखेंगे, यानी टेन π/6 का टेन π/6 ही लिखा जाएगा। और टेन π/6 कितना होता है, 30 होता है, वैल्यू कितना बनेगा, 1/√3, और ये आपका बन जाएगा आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही डील करेंगे, जो भी आपके नीचे में यहाँ लिखा होगा वही आपका क्वेश्चन का क्या होगा, क्लू होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले सेशन में, जिसमें हम लोग करेंगे धमाकेदार, आपको ट्रिगो के चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th का फिजिक्स, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का ये सेशन आपको यहीं तक रहेगा, और भी कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको आने वाले क्लासेज में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।